अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय शो फूड डायरीज़। मैं हूँ आपकी ज़ारनक सिधवा और काम कर रही थी इसलिए कि आई वांटेड कि मैं ये टार्टलेट्स जल्दी जल्दी आपके सामने बनाऊँ। पहले हम कुकिंग पे की तरफ जाएं और आपको मैं बताऊँ कि आज की क्या रेसिपीज़ हैं। अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द लवली फैंस एंड व्यूअर्स। इतने सारे लोग एक्सपो सेंटर आए थे, हम वापस आ गए हैं। कल दोपहर में हम सब आए थे वापस और सैटरडे संडे हफ्ता इतवार हम सब लाहौर में थे और बहुत दूर दूर से लोग आए थे हमसे मुलाकात करने, कुकिंग देखने, स्टॉल्स विज़िट करने। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग नहीं आए तो हमारा इवेंट कैसे सक्सेसफुल हो। बट सबसे पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू से वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स जो हमारे शोज़ पे थे। जैसे कि केक्स एंड बेक्स था मेरे साथ, मैंने उनके सॉसेस वगैरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई थी दोनों दिन। और एज वेल एज ऑल द स्पॉन्सर्स, एवरी स्पॉन्सर, अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। सॉरी, मुझे सबके नाम अभी याद नहीं है। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक यू टू द मैनेजमेंट एंड द होल टीम ऑफ मसाला। मसाला की टीम ने जितनी मेहनत की है वो हमने तो नहीं की ना, हम तो अपने एक दो घंटे जाते थे, काम करके चले जाते थे। लेकिन पीछे से इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, महीनों से जो मसाला की पूरी टीम थी, फ्रॉम अथर साहब एंड अल्ताफ एंड ऑल आर डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी, द सेट डिपार्टमेंट एंड ऑल आर हेल्पर्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। वो इस तरह मेहनत ना करें और इतनी प्लानिंग ना करें तो कभी ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स और फेस्टिवल्स कामयाब ना हों। थैंक यू सो मच। चलिए जी, बातें तो मैं करती रहूँगी। हाँ, एक चीज़ ये मुझे दिखाना था। नुज़हत आपा ऑलवेज कम्स टू मीट अस। उन्होंने ये कुशन कवर्स सबके लिए बनाए हैं, सारे शेफ्स को दिए हुए हैं। ये देखें, सो प्रिटी ना, ये कुशन कवर है। अभी मेरे पास कुशन इसके अंदर का साइज़ का नहीं है, बट वो मैंने दिखाने के लिए लेके आई थी कि दीज आर टू लवली कुशन कवर्स जो उन्होंने मेरे पिक्चर के साथ फूड डायरीज़ के लोगों के साथ बनाई हैं। सो थैंक यू सो मच। शी इज़ द सेम लेडी जो ये इस तरह के ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स और लैंप्स और इस तरह की सारी चीज़ें बनाती हैं। बिग थैंक यू नुज़हत आपा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं आज, मैं बताऊं आपको। हम बना रहे हैं टिक्का मूस टार्टलेट्स। हम चिकन टिक्का बनाएंगे। छोटे छोटे पीसेस में चिकन को काट के रखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका एक मूस बनाएंगे, चिकन का मूस बनाएंगे। ठीक है, मूस हमेशा मीठा नहीं होता है, चिकन का मूस, चिकन का सूफले भी बनता है। और फिर उसको हम फिल करेंगे इन टार्टलेट के टिन्स में। अब ये तो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है जो मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, इसीलिए मैं अभी आपके सामने एक दफ़ा इसका रिकैप कर दूँगी। मैंने 200 ग्राम मैदा लिया था, चुटकी भर मैंने उसमें नमक डाला था, 100 ग्राम ठंडा मैंने उसमें मक्खन डाला था, एक अदद ठंडा अंडा डाला था और 2-3 चमचे ठंडा पानी डाला था। बाइंड करके डो बना के रख दीजिएगा। ये सुबह में मैंने बनाया था, इसलिए कि ऑब्वियसली अगर मैं सुबह में नहीं बनाती तो फिर मैं कब ये आपके सामने करती। ठीक है, बिकॉज ये डो को आपको रेस्ट करना है 1-2 घंटा। अब मैं 1-2 और बना दूंगी ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से टार्टलेट्स और फिर हम मूस की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद पनीर मसाला है। पनीर भी मैं घर से बना के हमेशा लेके आती हूँ। पनीर कहाँ बनता है, 3-4 घंटे लगते हैं पानी पूरा निथार देने के लिए। ठीक है, ओके। सो नाउ आई हैव गॉट वन मोर ऑफ दीज। देखें, ये टार्टलेट के टिन्स हैं, हर शेप के आपको मिल जाते हैं। ये बोट शेप के हैं, ये इस तरह के हैं, हार्ट शेप के मिलते हैं आपको, इस तरह के मिलते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर दीजिएगा। टार्टलेट के टिन्स में ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री लगा के रखेंगे, फिर कांटे से इसको प्रिक करेंगे। इसके अंदर हम बीन्स डालेंगे जो आपको पता है कि ये वाले बीन्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और फिर उसको बेक करेंगे, बेक ब्लाइंड, यानी कि फिलिंग के बगैर। निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके अंदर ये हम चिकन पका के उसका मूस बना के उसको हम फिर बाद में पाइप करेंगे। चिकन डाल के पकाना नहीं है हमने, ये बस टार्टलेट्स पकाने हैं। चिकन हम चूल्हे पे पकाएंगे। ठीक है, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। अपने ही मसालों से मैं तंदूरी मसाला बनाऊँगी। आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल दोज फैंस हु ऑल्सो गॉट गिफ्ट्स फॉर अस। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, सिर्फ आपका प्यार और दुआएं, और आप लोग इतने दूर तक आए हमसे मिलने, उसी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पेस्ट्री हमेशा थोड़ी सी इस तरह बाहर रखते हैं और फिर आप उसको अंदर अच्छी तरह ऐसे बिठाइए एंड देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। लाहौर की वेदर बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट कराची में सर्दी है, लाहौर में सर्दी इतनी नहीं थी इस दफ़ा, सरप्राइजिंगली ना। और हम लोग तो बिल्कुल एक्सपो सेंटर के साथ रहे थे तो ज़्यादा कुछ हम इस दफ़ा घूमे नहीं, लेकिन इट वाज़ अ गुड इवेंट। बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट गया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये देखें, ठीक है, और भी हमें बनाने पड़ेंगे थोड़े से, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको डो को थोड़ा सा ज़रा गूंद लूँ हाथ से इस तरह, फिर मैं बेल दूँ और बना दूँ दो तीन, फिर हम चिकन पे आ जाएंगे। पनीर मसाला इज़ वेरी वेरी सिंपल, सब्जियों और पनीर के साथ हम एक मसाला बनाएंगे, सॉसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके साथ हम इसको बना देंगे। आप पनीर बनाना चाहें मेरे साथ साथ तो 2 लीटर ताज़ा दूध ले लीजिएगा, उसमें आप डाल दीजिएगा अबाउट 1 टेबल स्पून भर के नमक और आधा किलो दही, ठीक है, और फिर उसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। और दूध और दही अलग अलग जब हो जाए, पानी इसका निकल आए, तब फिर आप उसको निथार दीजिएगा मलमल के कपड़े में। सर्दियों में मक्खन सही रहता है शॉर्टक्रस्ट पेस्ट्री का, गर्मियाँ होती तब ये पिघल जाता। ये थोड़ा मोटा है, थोड़ा पतला करते हैं, मोटा होगा तो फिर अजीब सा लगेगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग आए थे जो ड्रेसअप होके पूरे आए थे ट्रेडिशनल कपड़ों में। आप मसाला फैमिली फेस्टिवल का पेज देखेंगे ना फेसबुक पे, उस पर हम सबकी तस्वीरें भी हैं, देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और इसी तरह हमारे सारे इवेंट्स सक्सेसफुल करिएगा। आप देख रहे होंगे कि फैसलाबाद की कुकिंग क्लास का ऑलरेडी आ चुका है प्रोमो ऑन एयर। मैं, शिरीन अनवर, महबूब खान और युसरा आब्दी होंगे वहाँ, और इनके अपने भी शेफ्स होंगे अवारी एक्सप्रेस के। तो आप ज़रूर आइएगा। फैसलाबाद के रहने वालों के साथ मैं मुखातिब हूँ, वहाँ के गुर्दुनवा के जो भी लोग हैं जो हमसे सीखना चाहते हैं कुकिंग, पूरा दिन आप हमारे साथ गुजार सकते हैं वहाँ, तो ज़रूर प्लान बना लीजिएगा। 15 दिसंबर अभी से बता रही हूँ, ये करना ज़रूरी है। थोड़ा बाहर रहेगा तो कोई बात नहीं, इसलिए कि ये थोड़ा सुखड़ेगा, श्रिंक हो गई पेस्ट्री जब आप इसको वो करेंगे, क्या बेक करेंगे। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब मैं कांटा लूँ, प्रिक करूँ इसको, बहुत सारे बन जाते हैं, मैं पहले फ़िलहाल इतने तो बना लूँ। कांटे से आपने इस तरह प्रिक किया, ठीक है। You're not supposed to rise this pastry. और एक आध और भी बना लेते हैं। फिर इसमें हम छोटे छोटे पीसेस पेपर के रखेंगे काट के, उसके अंदर ये बीन्स रखेंगे और बेक करने रख देंगे। अवन को प्रीहीट करिएगा। मैं ब्रेक की तरफ भी चलती हूँ, मैं बस इसको रोल करती रहती हूँ, बना के आपके लिए बस रेडी करके रखती हूँ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें ये टार्ट टिन है, इसके अंदर मैंने पेस्ट्री लगा दी है, इसको प्रिक कर दिया है कांटों से, ठीक है। और फिर ये एक पेपर आपने रखना है, इसके ऊपर आप ये बीन्स या चावल या दाल या कुछ भी आपके पास हो भारी, इसको वे डाउन करना है। ऐसे करके आपने रख दिया और ये हम अभी बेक करने रख देते हैं। बेक हो जाएंगे, फिर निकालेंगे, ठंडे करेंगे और हम उसको फिल करेंगे। इसको मीठा करना हो तो चीनी डालिएगा, मैंने इसमें नमक डाला है, मुझे सेवरी चाहिए ना। अच्छा जी, नाउ चिकन, ओके ठीक है। 200 ग्राम मैदा था, 1 अंडा ठंडा था, 2 से 3 चम्मच ठंडा पानी था, चुटकी भर नमक था और 100 ग्राम ठंडा मक्खन था। मिक्स करके डो बना के रख दीजिएगा, 1 आध घंटे बाद बेलिएगा, फिर इसे जो भी शेप्स हों उसमें काटिएगा, पेपर रखिएगा, कांटे से प्रिक करिएगा, पेपर रखिएगा, बीन्स डालिएगा और बेक कर दीजिएगा। इसको कहते हैं बेक ब्लाइंड करना। अब हम चिकन के साथ क्या करेंगे, 2 चिकन ब्रेस्ट आप ले, उसमें आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है दही, ठीक है। फिर आप लाल मिर्चों का पाउडर लें या केन पेपर लें, ये चला गया। उसके साथ ये गरम मसाला पाउडर है। फिर ये है कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी गई। फिर इसमें जाएगी हल्दी और कुटी हुई काली मिर्चें और नमक। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, ठीक है, पाउडर। और सब कुछ आपने मिक्स करने के बाद पकाने के लिए छोड़ देना है और पकाएंगे हम इसको मक्खन में। आप अगर धुआं देना चाहें कोयले का तो वो भी आप कर सकते हैं। रिपीट कर दूं मैं, चिकन है, दही है, केन पेपर है या लाल मिर्चों का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, कसूरी मेथी है, मुझे नींबू इसमें डालना है, नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, लेमन, और अब हम इसको पका लेते हैं। थोड़ा सा मक्खन शामिल करते हैं यहाँ पैन में। आपने मक्खन डाल दिया, उसको आप पिघला दीजिए, उसमें आप चिकन डाल दीजिए, उसको पका लीजिए। आप चिकन के छोटे चंक्स करिएगा, इसलिए कि हमें वैसे भी इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना है। ये देखें अच्छी तरह मसाले के साथ। अच्छा, यहाँ आपको चीज़ ग्रेट करके फ्रिज में है, क्रीम है, और उसके साथ फिर हम उसको ब्लेंड करेंगे। अभी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मक्खन के साथ आपने इसको इस तरह स्वर्ल कर दीजिएगा मक्खन को पैन में। पानी वानी कुछ नहीं डालिएगा, इसी में पक जाएगा। टार्टलेट्स जो हैं उसका बेस 10 मिनट में बेक हो जाएगा, छोटे छोटे हैं। आप एक बड़ा भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट। इस तरह करते जाइए। चिकन ब्रेस्ट फिले हैं या चिकन बोनलेस है, जल्दी से हो जाएगी। फिर इसको आप ठंडा करिएगा, फिर ब्लेंडर में डालिएगा क्रीम के साथ और आप उसको ब्लेंड कर दीजिएगा। थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। और फिर पाइपिंग बैग में डालिएगा, इसलिए मैंने छोटे पीसेस किए हैं। और इसमें कोई साबुत चीज़ नहीं है, हमें मूस बनाना है, राइट, मगर टिक्का फ्लेवर वाला बनाना है। सो दही था इसमें, चिकन ब्रेस्ट है, छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए, केन पेपर पाउडर या फिर आप लाल मिर्चें कुटी हुई या लाल मिर्चों का पाउडर डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है और कसूरी मेथी यानी ड्राई फेनुग्रीक लीव्स हैं, लेमन जूस हमने डाला, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें डाली और हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला। कलर अगर आपको लाल देना है आप लाल रंग भी डाल सकते हैं। आई जस्ट सी इफ आई हैव सम रेड कलर टुडे। जैसे ही चिकन हो जाए थोड़े से क्रीम के साथ ब्लेंडर में जाएगी और फिर हम इसको ब्लेंड कर देंगे। फिर हम इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे, ठंडा करेंगे। हाँ, ये ठंडा है, एपेटाइज़र है, बहुत अच्छा रहता है एज एन एपेटाइज़र, एज अ स्टार्टर, सैलड के साथ, पोटैटो वेजेस के साथ अगर आप सर्व करेंगे तो मेन कोर्स भी हो जाएगा। इसको एक बड़े टिन में भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखें चिकन तो ऑलमोस्ट डन। इसमें कोई पानी शानी नहीं डालना है आपने, चिकन का अपना पानी, दही का अपना पानी निकलेगा। देखा कितना मज़ेदार सा लग रहा है। शर्जील प्लीज़ देखें अगर लाल रंग कुछ हो तो, मैं थोड़ा ज़रा तिक्का कलर देना चाह रही हूँ उसको। चलो ये हो गया। धुआं भी आप दे सकते हैं। ये हो जाए उसके बाद आप एक कोयला लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, उसके उसमें रख दीजिए और फिर आप उसको हल्का सा तेल डालिएगा तो हो जाएगा। बाद में इसमें थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें हम लाल रंग डालेंगे। ब्लेंडर में क्रीम के साथ हम इसको ब्लेंड कर देंगे। मिसेस इस्लाम है लाहौर से जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप आई थी क्या सैटरडे संडे एक्सपो पे? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। अच्छा, ओके जी, और बोलें कुछ। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, बहुत अच्छे के बाद आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत पसंद है, थैंक यू। और मैम मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली आप थोड़ी सी बेकिंग में जीएफ प्रोडक्ट्स पे भी थोड़ा सा गाइड करके वो प्रोडक्ट्स भी बना दिया करें। कौन से वाले? ग्लूटेन फ्री। अच्छा, मैं बना चुकी हूँ बहुत दफ़ा ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री मैदा अगर आपको लाहौर में मिले तो वो बेस्ट रहेगा, वरना फिर ग्लूटेन की चीज़ों की जगह बादाम वगैरह डालते हैं। ठीक है जी, जी मैं बनाती हूँ घर में, मैं बनाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने आपकी शुरू की ये जो आपने बहुत पहले ये जनवरी में आपने बनाया था केक, तो मैंने उसी को फॉलो करके मैंने भी घर में अब ये कि ब्रेड वगैरह बना लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि मुझे इसीलिए एक प्रॉब्लम है, तो मैं फिर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स भी यूज करती हूँ। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बनाएंगे और भी बनाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? ओके, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा होगा, क्रीम के साथ उसको ब्लेंडर में आपके सामने हम ब्रेक के बाद ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा लाल रंग डालेंगे कि ज़रा तंदूरी सा कलर आए। टार्टलेट्स बेक हो जाएंगे, निकालेंगे उनको और फिर उनको थोड़ी देर छोड़ देंगे, टिन्स में से निकालेंगे और फिर इसको पाइपिंग बैग में डाल के मूस को हम पाइप करेंगे। ठीक है, फिर छोटे छोटे वेजिटेबल्स काट के, या एक मटर रख दीजिए, एक पार्सली रख दीजिए, धनिया रख दीजिए, कुछ भी एनीथिंग ऊपर रख दीजिएगा टू डेकोरेट। चलिए जी, मैं लेती हूँ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, ये तो मुश्किल से उठाना पड़ता है, ये कैसे उठाऊं मैं इसको? उठा के मुझे ना, मैं अभी करती हूँ, ऐसे करते हैं, देखें ये मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, इस पर रख देती हूँ। ये देखें, यहाँ दिखाइए प्लीज़। देखें, ये बेक हो गए हैं, लेकिन ये पेपर को आपने ध्यान से उठाना है और आप इसको रखते जाइए। ठीक है, मेक श्योर करिए लोबिया जो है या जो भी चावल बावल आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके ऊपर गिरे ना, इसलिए पेपर थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। फिर आपने क्या करना है, अंडा है एक अदद, उसको हम ब्रश करेंगे। ओप्स, बहुत गर्म, लोबिया हाथ पे चिपक जाता है। अब ये जो गिर गए हैं ना, इनको सीधा करना पड़ेगा। इसके उल्टा करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको भी उल्टा करना है हमने। सॉरी बट इसको हटा दीजिए, इसको दोबारा रख दीजिए। चिकन हमारी हो गई है, लाल रंग मिल गया था। उप्स, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये देखें, अंडा एक अदद, ब्रश लीजिए, ब्रश कर दीजिए अंडा। ठीक है, ये क्या होगा इससे? इससे आपका जो बेस है ना टार्ट का, वो बहुत ही अच्छा क्रिस्प होगा। और क्या होगा कि जो भी चीज़ आप घीली, कोई भी चीज़ फिलिंग जो भी आप रखेंगे ना, वो बिल्कुल उसको सौगी नहीं कर देगा, थोड़ी देर पहले अगर आप करके रखें तो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अंडा लगाना भी बहुत ज़रूरी है इस तरह इसके बेस पे। ठीक है जी, ये अंडा लगाएं या एग योक सिर्फ लगाएं, ये ज़्यादा इसमें आ गया है, इसको हम वापस इसमें कर देते हैं। Okay, I'm making a mess now. I better put this in before I do anything else. चलिए, अभी अंडे के साथ थोड़ा सा 5-10 मिनट और बेक होगा, बस फिर रेडी होगा। अब तब तक हम चिकन पे आ जाते हैं। चिकन हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इसमें हम ब्लेंडर में डाल देंगे चिकन को। चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं। मसाला वसाला पूरा ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चेडर चीज़। और थोड़ा सा लाल रंग। और ब्लेंड। ठीक है ना। अब थोड़ा सा रेड रेड कलर आया, अच्छा सा तंदूरी कलर। स्मूथ हमने करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीम डाल दूंगी फिर पाइपिंग में मसला होगा। निकाल के ना ऐसे करके घुमाइएगा, फिर आप देखिएगा ऐसे करके कि इसमें चंक्स नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि ये पाइप नहीं होगा तो और मज़ीद थोड़ा सा आप क्रीम डाल सकते हैं। पूरा ऐसे नीचे करिएगा इस तरह। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी जो भी क्रीम है ये भी चला जाएगा, इसलिए कि आई वांट कि पाइपिंग कंसिस्टेंसी का हो। ये चलिए डन। अब मैं इसी में रहने देती हूँ, तो निकालती नहीं हूँ, पर पाइपिंग बैग में डायरेक्टली डाल देंगे। देखें ये ठीक है, ये हो गया। चीज़ और क्रीम आप देख लीजिएगा, जितना लिखा है उतना डालिएगा। अब इसमें और कोई भी चंकी चीज़ नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा कि पीसेस आपके नोज़ल में फंस जाएंगे। ठीक है जी, ये यहाँ। और उसको निकाल देते हैं। बस इसको मैं यहाँ निकाल देती हूँ। अवन में से ठंडा करेंगे उसको जाली पे, उसके बाद उसको केस में से निकाल देंगे, उसके टार्टलेट टिन्स में से। और ये जो मूस है इसको हम पाइपिंग बैग में भरेंगे, नोज़ल लगाएंगे और पाइप कर देंगे। ऊपर से आप धनिया डालिए या कोई भी चीज़, कोई भी छोटी सब्ज़ी डालना चाहें डाल दीजिए। इसको आप ट्यूना मछली का जो टिना आता है उसके साथ भी बना सकते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो पनीर मसाला बनाना सिखाऊंगी। पनीर यहाँ रेडी है। कल मैंने पनीर बनाया था आते ही लाहौर से, इसलिए कि आई वांटेड कि पूरा पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। और पनीर को मैं कभी भी फ्राई नहीं करती हूँ, समहा मुझे वो फ्राइड वाला पनीर पसंद नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे प्लेन नहीं अच्छा लगता है, तो फिर गरम तेल में डालिएगा और निकाल दीजिएगा फ़ौरन। तल के पनीर के क्यूब्स को और उसको ठंडे पानी के एक बोल में रख दीजिएगा। वो पानी अब्जॉर्ब करेगा तो वो ड्राई आउट नहीं होगा। मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ, आएँगे और ये सिंपल सी रेसिपी कम्प्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बहुत थोड़ा सा तेल लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे सब्जियां, जिसमें है हरी मिर्चें, हरा प्याज और शिमला मिर्च क्यूब्स में इस तरह कटा हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पैन में हम वो मैं साथ साथ कर लेना शुरू कर देती हूँ। और थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसमें हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे और उसको हम थोड़ा ब्राउन करेंगे। फिर मसालों में क्या क्या है, सॉसेस में क्या क्या है, सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, थोड़ा सा चीनी हम डालेंगे, नमक है, कॉर्नफ्लावर से थिकन करेंगे, और ये है अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, और लाल मिर्चों का पाउडर या केन पाउडर, पेपर, जो भी आपको डालना है वो आप डालिएगा। और एंड में ये क्यूब्स हम डालेंगे, इसमें आराम से फोल्ड इन हो जाएंगे, ठीक है। पनीर के सारी सब्जियां आपको डाल के हल्का सा फ्राई करना है, कोई ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस एंड में हम डाल देंगे। सो हमने प्याज, हरा प्याज, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च डाला है, और यहाँ इसको शिफ्ट कर दूँ। यहाँ हम प्याज शामिल कर देते हैं, ठीक है। सब्जियों को ओवर फ्राई नहीं करना है, हल्की सी फ्राई करके क्रिस्पी सी हों, बस आप एक तरफ रख लीजिए। चीनी, नमक, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, टिन्स जो थे मेरे टार्टलेट के टिन्स, उसमें से निकाल के मैंने इस तरह रख दिए हैं। अब ये ठंडे होंगे, और मूस मैंने फ्रिज में रख दिया है, वो ठंडा होगा, पाइप कर देंगे, बस सिंपल है ना। अच्छा सा एक एपेटाइज़र ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये पकती जाएंगी सब्जियां, तो मैं क्या करूंगी, इन सब्जियों को मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी, वरना अगर मैं इसको फ्राइंग पैन में ही छोड़ दूँगी तो ये कलर इसका ऐसा खूबसूरत सा नहीं रहेगा और मुरझा सी जाएंगी सब्जियां। ये आप छन्नी में रख दें ताकि एक्सेस तेल भी निकल जाए। ये लें, छन्नी में डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अदरक और लहसुन हम शामिल करेंगे, एक दफ़ा वेट करेंगे ज़रा, इसलिए कि आई वॉन्ट कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। फिर लाल मिर्चों का पाउडर डालिए, या आप केन पेपर डालिए, नमक है, चीनी है, सिरका है, सोया सॉस है, लाल मिर्चों का कोई भी सॉस आप ले लीजिए, चिली गार्लिक ले लें, मैं चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, श्रीराचा ले लें, तीखा हमने करना है। नमक कम डालिएगा, इसलिए हम सोया सॉस डाल रहे हैं। पनीर भी मैंने नमकीन बनाया था, पनीर में भी आप बनाते वक्त जब पानी निकल रहा हो, कुटी हुई काली मिर्चें डाल दें, सोया की भाजी आ रही है इतनी अच्छी अभी सर्दियों में, वो डाल दें, या आप इसमें ऑलिव्स चॉप करके डाल दें, या सनड्राइड टमेटोज़ डाल दें, ज़ीरा डाल दें, कुटा हुआ, भुना हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, हरे और काले जैतून डाल सकते हैं। जब तक यहाँ प्याज हमारी हो रही है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। टिक्का मूस टार्टलेट्स, अच्छा चिकन ब्रेस्ट क्यूब 2 अदद, गाढ़ी दही 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 3/4 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 3/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 50 ग्राम, क्रीम 200 मिलीलीटर, मक्खन हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, टार्ट शेल्स के लिए मैदा 200 ग्राम, नमक चुटकी भर, ठंडा पीका मक्खन 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, ठंडा पानी 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब, मैदा, नमक और ठंडा मक्खन को कांटे से मिक्स करें कि क्रम्स की तरह हो जाए। अब इसमें अंडा और ठंडा पानी डालकर डो बनाएं और ढककर 1 घंटा फ्रिज में रख दें, पर निकाल कर बेलें और छोटे टार्ट शेल्स काट कर कांटे से निशान लगाएं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेपर और बीन्स के साथ 10 मिनट बेक करें, पर निकाल कर पेपर हटाकर मज़ीद 10 मिनट बेक करें। अब निकाल के ठंडा कर लें। उसके बाद बोल में चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर मैरिनेट करें और ढककर रात भर फ्रिज में रख दें। अब मैरिनेट की हुई चिकन स्क्यूर्स पर लगाकर ग्रिल पैन में ग्रिल करें, साथ साथ मक्खन लगाते जाएं, फिर ठंडा करके एक तरफ रख दें। जब ठंडा हो जाए तो चिकन को चेडर चीज़ और क्रीम के साथ ब्लेंड कर लें। अब पेस्ट को पाइपिंग बैग में डालकर टार्ट शेल्स पर पाइप कर लें और सर्व करें। पनीर मसाला अज्जा, पनीर क्यूब आधा किलो, चॉप्ड प्याज एक अदद, क्यूब प्याज एक अदद, क्यूब शिमला मिर्च एक अदद, हरी प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद बड़ी, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए चॉप्ड लहसुन 2 से 3 जवे, चॉप्ड अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस आधा कप, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा। तरकीब, तेल गर्म करके क्यूब प्याज, क्यूब शिमला मिर्च, हरी प्याज और हरी मिर्चें सौते करें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज, चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड अदरक शामिल करके फ्राई करें। प्याज नरम हो जाए तो पानी डालकर उबाल लें। अब इसमें तमाम सॉसेस, कश्मीरी लाल मिर्च, चीनी और नमक डालकर थोड़ी देर पकाएं। उसके बाद 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर सॉस में शामिल करें और गाढ़ा कर लें। अब सॉस में पनीर और सौते सब्जियां डालकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखिए मैं बस इसको गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया के साथ। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बस चिकन से पैटीज़ ही बनाएं, हमेशा कुछ और भी बनाया करें। ये कितना मज़ेदार सा अच्छा सा है। अब हम जल्दी से इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। प्याज आपने गोल्डन कर ली थी, फिर आपने इसमें धनिया, अदरक और लहसुन चॉप करके डाला। बहुत आसान रेसिपी है, एकदम झटपट वाली। फिर आप इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालें या केन पेपर पाउडर डालें। ठीक है, फिर आप इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डालिएगा, इसलिए कि मैं सोया सॉस भी डालने जा रही हूँ, और थोड़ी सी आप इसमें चीनी शामिल करिए। फिर आप इसमें सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस जाएगा, और ये मिक्स होगा, पानी जाएगा, अब कॉर्नफ्लावर और पानी थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा। विल जस्ट ऐड अ लिटिल स्लरी, इसको कहते हैं स्लरी, कॉर्नफ्लावर पानी के ऐसे मिक्सचर को कहते हैं स्लरी। बाज़ वक्त महीने में 1 आध दफ़ा पनीर से भी रेसिपीज़ बना लिया करें। हमारे वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स के लिए ये रेसिपी है। ठीक है, ये हो गया। All the lovely paneer will go in. ओह बहुत भारी है ये। पनीर और जो सब्ज़ी है वो, और थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर पानी डालेंगे, और पनीर टूट ना जाए आप आराम से हल्के हाथ से इसको ऐसे करके मिक्स करेंगे, और ये पूरी की पूरी सब्ज़ी जो हमने पहले फ्राई की थी वो चली जाएगी इस वक्त। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छी तरह पनीर को मिक्स करिए, वाइट ना रहे, और थोड़ा सा धनिया अंदर जाएगा, एंड रेडी। देखें कितना जल्दी बन गया। मैंने थोड़ी ग्रेवी इस तरह रखी हुई है, आई डोंट वांट के ग्रेवी एकदम गाढ़ी रहे, इसलिए मैंने बहुत कम कॉर्नफ्लावर के साथ ये डाला था। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गोश्त ही खाया जाए, चिकन ही खाया जाए, सब्जियों का इस्तेमाल करें, पनीर से रेसिपीज़ बनाएं, दाल खाएं हफ्ते में 2-3 दफ़ा। दाल इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। इससे पनीर बहुत सॉफ्ट रहता है एंड में डालने से। मैं कभी भी पनीर को फ्राई करके नहीं डालती हूँ, आपने देखा भी होगा, और मुझे पनीर फ्राइड पसंद भी नहीं है। समहाउ पनीर जो अच्छा बनता हो उसको फ्राई करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो दैट्स दैट। ठीक है जनाब, ये हो गया क्लीन अप एंड एक बार फिर आप सबका, लाहौर वालों का, और सारे जो हमारे फैंस एंड व्यूअर्स हमें मिलने आए थे लाहौर में सैटरडे संडे हफ्ता इतवार एक्सपो सेंटर पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया, हमारी पूरी मसाला की टीम का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और कौन क्या जीता है तो ज़रा चेक कर लेते हैं, और रिदा क्या बना रही है वो भी जी। फ़ातिमा फातिमा, हाँ मैसेजेस बताइए, बता दीजिए ऐसे ही। अच्छा चलें, वीकली स्लाइड चल रहा होगा, आप देख लीजिएगा रिदा क्या बना रही है। पनीर मसाला मैंने बनाया है, ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये जो टार्टलेट्स हैं, आप ठंडा होगा मिक्सचर तो आप उसको पाइपिंग बैग में डाल के पाइप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही चम्मच से रख दिया था। एनी वे यू लाइक, कुछ भी आपको जो भी चाहिए। टमाटर के साथ आप डेकोरेट कर दें, छोटी एक प्याज काट के रख दीजिए, हरे प्याज से डेकोरेट कर दीजिए। मैंने धनिया के साथ किया है। रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत अच्छी हाई टी के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। सो ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई करिएगा। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।